మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों. जैसा कि मैं पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि मेरा जो अगला वीडियो होगा वो कलर कोडिंग से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें होंगे, ठीक है. तो आज हम उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है. अब जो है हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपके सामने इसको लिखा हूँ कि फॉर ए कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर कलर कोडेड विथ ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द रेसिस्टेंस एंड टॉलरेंस आर. हम एक मिनट का टाइम आपको दे देते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. आप हाँ मिनट का टाइम तुरंत हम सॉल्व करवाते हैं आपको, ठीक है. बताइए चार ऑप्शन हैं, कौन सा सही होगा. चलिए दोस्तों बताते हैं हम. ये मान लीजिए आपका क्या है, रेसिस्टर है, ठीक है. आइए इसके बैंड हैं, कितने बैंड हैं, चार बैंड हैं. क्या क्या दिया हुआ है आपका, ये ग्रीन दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, ब्लैक दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है. मतलब ये दोनों डिजिट बैंड दिए हुए हैं, ग्रीन और ब्लैक, और फिर यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है आपका मल्टीप्लायर बैंड, और टॉलरेंस बैंड क्या दिया हुआ है आपका, सिल्वर दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ आप देखिए ग्रीन का नंबर क्या होता है, बताए थे हम कोडेड में, इसका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी आपको बताए थे. तो ग्रीन का आप कोड देखेंगे तो 5 होगा, ठीक है ना, 5 होगा, वेरी इजीली यू कैन राइट 5. फिर क्या दिया हुआ है आपका, ब्लैक, ब्लैक का कोड क्या है, 0 है, ब्लैक का कोड 0 हो गया. फिर देखिए ये आपका मल्टीप्लायर बैंड है, मतलब हमें गोल्ड का मल्टीप्लायर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, वी शुड मल्टीप्लायर ऑफ गोल्ड हियर. तो मल्टीप्लायर गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या होता है, 10^-1 होता है. अब फिर सिल्वर चूंकि टॉलरेंस बैंड है तो यहाँ लिखेंगे कितना, 10%, ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 है, 0 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, केवल 5 ओम हो जाएगा यहाँ पे. अब प्लस माइनस 10%, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा. तो देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना. इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं. देखिए दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है, इस तरह का कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कोडेड रेसिस्टर हैज़ वैल्यू ऑफ 600 विथ 10% टॉलरेंस. आपका जो रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ 600 ओम दिया हुआ, हम एक मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है. ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीधा सीधा 600 ओम्स, क्या दिया हुआ है, 600 ओम प्लस माइनस 10%. तो ये आप सीधे लिख सकते हैं कि आपका जो टॉलरेंस बैंड है वो क्या है, सिल्वर है. क्या है टॉलरेंस बैंड, सिल्वर है, आप इजीली 10% से लिख सकते हैं. यहाँ 6 है, 6 किसका नंबर है आपका, ब्लू का, ये आप बताइए. फिर 0 किसका है, ब्लैक का, तो ये भी ब्लैक का ही 0 है. लेकिन हम यहाँ फिर ब्लैक नहीं लिखेंगे, अगर ब्लैक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. कैसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या 60 × 10^1 ओम प्लस माइनस 10%. अब देखिए 10^1 किसका मल्टीप्लायर है, ब्राउन का है. क्या है, ब्राउन का है, ब्राउन का है, ठीक है. अब फिर क्या होगा आपका, सिल्वर स्ट्रिप हो जाएगा, सिल्वर स्ट्रिप हो जाएगा. तो देखिए ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और सिल्वर स्ट्रिप, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर स्ट्रिप, इसलिए ऑप्शन ये क्या होगा, सही हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए हम 2-3 प्रॉब्लम आपको दे देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। देखिए तो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, आप इसका सॉल्यूशन निकाल करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आपका पहला है ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, ठीक है, दोनों डिजिट हैं। ये आपका मल्टीप्लायर बैंड है, ये आपका टॉलरेंस बैंड है, ठीक है। यहाँ भी दो डिजिट है, ये मल्टीप्लायर बैंड, ये टॉलरेंस बैंड, ये भी दो डिजिट, मल्टीप्लायर बैंड और ये टॉलरेंस बैंड, दोनों ग्रीन ग्रीन है, ध्यान रखिएगा, ये टॉलरेंस बैंड है ग्रीन, ठीक। अब यहाँ जो है ये कितना ओम, इस पर मतलब आपको यहाँ कलर बताना है, ठीक है ना। 18.85 है, यहाँ पे बताना है कलर, आपको बताना है यहाँ 5000 प्लस माइनस 5% है, तो यहाँ आपको बताना है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 50 × 10⁻²² करिएगा, ठीक है ना। क्या करिएगा, 50 × 10⁻², ठीक, तब आप इसको सॉल्व करिएगा, प्लस माइनस 5% है, ठीक है। इसका आपको कलर बताना है, ये आपको डिकोड करना है, ठीक। ये आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके कमेंट मार्क्स में बताइएगा, ठीक है। जो इंटरेस्टेड लेगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारे चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके अनुसार हम इसमें मैटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए हम जो है अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोई आपके सामने एक वायर दे दिया गया और ये कहा जाए अगर इस वायर का लेंथ डबल हो जाए तब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन के टेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगर ये कह रहा है कि हम वायर को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, जब आप खींच रहे हैं तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सीधे डबल कर दिया गया तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों अपना अलग अलग मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। हम क्या बताने वाले हैं आपको, अब बताने वाले हैं कि अगर वायर को की लेंथ को डबल कर दिया जाए तब रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब वायर को खींच कर उसका लेंथ डबल कर दिया जाए तब उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हम एरिया को डबल कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब हम एरिया को खींच करके रिड्यूस कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब हम लेंथ और एरिया दोनों में चेंजिंग करें तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और केवल डायमीटर में चेंज करें तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज में आपको सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मिलेगा, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेगा, इसलिए हमारे वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेसिस्टिविटी, मतलब लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। इन ऑर्डर टू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। हमें किसी मटेरियल के रेसिस्टिविटी का स्टडी करना पड़ेगा। वी शैल हैव टू स्टडी अबाउट द रेसिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल। मान लीजिए कोई मटेरियल आपके सामने दी गई हुई है, उसका लेंथ क्या है, L1, ठीक है। और इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब यहाँ आपको एक कंडक्टर दे दिया गया यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मान लीजिए वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है या A है, ये लेंथ क्या है, L है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का नियम क्या कहता है कि जो रेसिस्टेंस होगा इस वायर का वह इसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का नियम है। जाहिर सी बात है कि आप जितना ही अधिक दूर चलेंगे उतना ही अधिक आपको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू फेस मोर फ्रिक्शन। अगर हम ज़्यादा दूर तक चलेंगे तब हमको अधिक फ्रिक्शन का सामना करना है, ठीक है। उसी तरह से जितना ही लेंथ ज़्यादा होगा उतना ही हमें करेंट को रेसिस्टेंस का करेंट के मार्ग में क्या होगा, एक प्रकार का ऑब्स्टेकल आएगा ना, एक तरह का रेसिस्टेंस आएगा। तो वह जितना ही अधिक लंबा
कंडक्टर होगा उतना ही रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए हम इस रेसिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। और एरिया के इन्वर्सली क्यों? क्योंकि अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया कम होगा। देखिए यही हम बताने वाले हैं कि जब आप वायर को खींचेंगे, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे, जब खींचेंगे तो एरिया ऑटोमेटिक कम होगी, लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट लंबाई को दो गुना करेंगे, मतलब यहाँ एक वायर है, एक वायर और ला करके सटा दिए, लंबाई दो गुना हो गई, एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसलिए दोनों केसेस में रेसिस्टेंस की वैल्यू पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ से हटता है दोस्तों, तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है, इसी कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। हम प्रोपोर्शनल के जगह पे एक कॉन्स्टेंट क्यों पुट करते हैं, इसका रीजन क्या है, यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये तो इक्वल का सिंबल है नहीं कि आर एल बाई ए के इक्वल है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते कि कौन किससे बड़ा है। इसलिए हम जब इसको बराबर कर देते हैं, प्रोपोर्शनल को जब बराबर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट इसीलिए रख देते हैं दोस्तों कि अगर इसकी वैल्यू इससे बढ़ेगा तो उसको ये उसको रिड्यूस करके इसके बराबर कर दें, यदि इसकी वैल्यू घटेगा तो मल्टीप्लायर होकर के इसके बराबर कर दें, ठीक है। यानी कि दोनों साइडों को बैलेंस करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको हर हर जगह कहीं भी आप कहीं भी किसी इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल का सिंबल बढ़ेगा, तो इसीलिए कॉन्स्टेंट पुट करते हैं कि हमारा इक्वेशन बराबर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये कांस्टेंट पुट करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पर करता है? ये रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पर, मतलब बनावट पे, संरचना पर और टेम्परेचर पर, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिकुलर डिस्टेंस डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए रेसिस्टिविटी पर इफेक्ट आ जाता है। अगर मान लीजिए हाँ, अगर ये कापर का वायर है, ठीक है, ये किसका वायर है? ये कापर का वायर है। आप इसकी लंबाई को घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा छोटा कर दीजिए, जैसा भी कर दीजिए, इसकी रेसिस्टिविटी जो फिक्स है वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसकी रेसिस्टिविटी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर है तो ये इतना ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन आप इसमें एल्यूमिनियम मिला दीजिए, मतलब दूसरा मटेरियल लेकर मिला दीजिए, मतलब मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होती है? 2.5 × 10⁻¹ ओम मीटर। अब सोचिए जब ये दोनों मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी एक मिश्र धातु बनेगी, एलॉय जो बनेगा, जाहिर सी बात है उसके रेसिस्टिविटी में इफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि रेसिस्टिविटी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है, दूसरा मटेरियल मिलाएंगे तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर अगर इसका बढ़ाएंगे तब भी इसकी जो फिक्स रेसिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अदरवाइज रेसिस्टिविटी एक फिक्स क्वांटिटीज है, ये चेंज नहीं होती है। समझ में आई बात? अब देखिए, अगर इसको डिफाइन करना हो तो यह आर ए बराबर रो एल होगा, यहाँ पे रो बराबर क्या होगा? आर ए अपान एल। इसको डिफाइन करना है कि इन दोनों को यूनिट कर देते हैं, यूनिट मतलब एक, इसको एक मीटर स्क्वायर कर दीजिए और इसको एक मीटर कर दीजिए, ठीक है। इसका मात्रक ओम है तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर ओम मीटर हो जाएगा। कब? जब ए बराबर एक मीटर स्क्वायर और एल बराबर एक मीटर। तो यहाँ हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ आपके सामने एक वायर रखा हुआ है, जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक मीटर स्क्वायर हो और इसकी लंबाई एक मीटर हो तो जो इसका रेसिस्टेंस होगा वही रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी कहलाएगा। दिस इज ए क्लियर डिफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू विथ वेरिफिकेशन, यू कैन से। जो आपके सामने लिखा गया है वो क्या है? विथ वेरिफिकेशन। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने बोला, वो सब आपके सामने हैज बीन एक्सप्लेन्ड, अच्छी तरीके से क्या किया गया है? एक्सप्लेन्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमको जहाँ तक आशा आप समझ में आ गया होगा इसका डिफिनेशन क्या हो गया रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है ये भी आप जान गए, इसका क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सिल्वर की रेसिस्टिविटी, सिल्वर की 1.5 × 10⁻¹ ओम मीटर
आपकी कॉपर की रेसिस्टिविटी अगर हम देखें तो इसका होता है 1.6 × 10⁻¹ ohm। अगर सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिव 2.5 × 10⁻¹ ohm। ये इनकी रेसिस्टिविटी है। तो इसका रियल में मतलब क्या है, जो भी रेसिस्टिविटी आपके सामने दी गई है उस पूछा जाए उसका मतलब क्या है, तो उसका सीधा मतलब आप बताइए कि सिल्वर के 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस इतना ओम है। इसके रेसिस्टिविटी क्या मतलब है, सिल्वर के 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस कितना ओम है, इतना ओम है। अगर कापर की रेसिस्टिविटी इतनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, कापर के 1 मीटर वायर का रेसिस्टेंस इतना ओम है, ठीक है। एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी क्या मतलब है, एल्यूमिनियम के 1 मीटर वायर का लेंथ के रेसिस्टेंस कितना है, इतना ओम है, ठीक है। अब सेंटीमीटर को, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻¹ कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेसिस्टेंस 1.5 × 10⁻¹ ohm होगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी बताता ये है कि पर्टिकुलर लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा। रेसिस्टिविटी क्या बताता है, दिए गए वायर के पर्टिकुलर लेंथ का रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हमको लगता है रेसिस्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हम जब लेंथ को स्ट्रेच कर दें, लंबाई को खींच के बढ़ा दें, तब इसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और केवल डबल कर दें तो इसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बोल देंगे तो हम इसको हिंदी में लिखा करेंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इजीली बोल सकते हैं। देखिए जो कुछ भी लिखा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हमको लगता है आपको समझ में आ जाएंगे, तो हम इंग्लिश में इसलिए लिख देते हैं कि हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलने के कारण जो भी हिंदी भाषी वो समझ लेंगे, अंग्रेजी में लिखने के कारण जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लेंगे, इसलिए दोनों को मिला करके हम लिखते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जरूर एडजस्ट करेंगे, आप जरूर बताइएगा। यहाँ देखिए कह रहा है एक कॉपर वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर जीरो इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स। मतलब ये कह रहा है एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है, मतलब कॉपर वायर है जिसका इनिशियल रेसिस्टेंस आर जीरो है, और इसको तब तक खींचा गया जब तक इसकी लंबाई एन गुनी न बढ़ गई, ठीक है, एन गुनी तक न बढ़ गई। तब फिर कह रहा है तब देन इट्स रेसिस्टेंस नाउ विल बी, मतलब यहाँ पे स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। हम इसको सिंपल, आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको सिंपल वे में लिख करके आपको समझा देते हैं, फिर आप ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने मिल गया, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम यहाँ इसको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए आर वन है 4 ohm, ठीक है। देखिए खींच कर, स्ट्रेच्ड करके खींच कर इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी जो लंबाई है उसको खींच कर कितनी कर दी गई है, 2 गुनी कर दी गई है, ठीक है। तब अब इसका रेसिस्टेंस R2 क्या होगा, तो सिंपल फार्मूला है R2 बराबर n स्क्वायर R1, तो खींची गई है 2 गुनी की गई है, तो n के जगह पर क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, R1 कितना है 4, तो कितना होगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 16 ohm। बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कह दिया जाए खींच करके इसकी लंबाई जो है कितनी कर दी गई है, 4 गुनी कर दी गई है, तब अब आप रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ही एन स्क्वायर आर वन, तो कितना गया 4 गुना, और स्टार्टिंग रेसिस्टेंस कितना है 4 × 4 = 16 × 64 ohm। इस तरह से दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन 1 सेकेंड, ठीक है। बट हमको यहाँ पे अगर हमें ये जानना हो डीपली आखिर ये आया कहाँ से, ठीक है, हमें ये जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, आपको फार्मूला तो यही नोट करना है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा इस फार्मूले से, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग रेसिस्टेंस आर जीरो हैज बीन गिवेन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन सॉल्व इजिली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन आर टू इज इक्वल टू, यू कैन राइट हेयर,
एन स्क्वायर आर जीरो, दिस विल बी द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये क्या होगा, यही आपके गिवन क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा इन शॉर्ट वे, इन ट्रिकी वे, बाय यूजिंग ए सिंपल फार्मूला यू कैन से। बट हम यहाँ अब डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं कि आर टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन कहाँ से आया, ठीक है। हम इसको थोड़ा जान ले, जानना जरूरी है क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो हम इससे रिलेट करेंगे, इसलिए इसको जानना क्या है, जरूरी है। तो आप इसको थोड़ा समय दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब हम इसका डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इस पर डिपेंड विचार कर रहे हैं कि मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में जो कंडक्टर आपके सामने रखा गया था उसका लेंथ L1 था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था, लेकिन जब इसको खींचा गया तो लेंथ L2 हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, A2 हो गया। खींचने से जाहिर सी बात था दोनों चेंज होंगे, क्यों, अगर आप एक रबड़ ले लीजिए अपने हाथ में और उसको जब खींचेंगे तो देखिएगा लेंथ जब बढ़ेगा तो उसका एरिया ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, इसलिए ये भी चेंज होगा यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मान लीजिए यहाँ इसका रेसिस्टेंस आर वन है, इसका रेसिस्टेंस क्या है आर टू है, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला अगर लिखें तो आर वन बराबर क्या मिलेगा, रो एल वन बाई ए वन। इसका फार्मूला लिखें तो आर टू बराबर क्या मिलेगा, रो एल टू बाई ए टू। यहाँ रो वन और रो टू नहीं लिखेंगे, यह ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि वही मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों के लिए रेसिस्टिविटी आपकी फिक्स रहेगी। मान लीजिए कापर का, तब भी कापर का ही खींचने के बाद एल्युमिनियम का नहीं बन गया, ठीक है ना, इसलिए दोनों की रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, देन यू कैन फाइंड आर वन अपन आर टू, यहाँ से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एल वन बाई ए वन, और फिर क्या होगा आपका ए टू अपन ए एल टू, ठीक है। तो यहाँ आप ये देखिए कि आपको अगर R2 निकालना हो, R1 दिया हो, R2 निकालना हो तो आपको क्या क्या चाहिए, L2 और A2 दोनों वैल्यूज चाहिए, ठीक है। L2 तो दे दिया है, क्या दिया हुआ है कि जो आपका रेसिस्टेंस की लेंथ है वो प्रारंभिक लेंथ का n गुना है, ये दिया हुआ है, दिस हैज बीन गिवन यू कैन से, ठीक है। ये आपका क्या हुआ है, दिया हुआ है L2 बराबर N L1। तो हमको अब यहाँ से A2 निकालना है, A2 कैसे निकालेंगे इसको हम, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई रबड़ की बाल्टी है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई रबड़ की बाल्टी है, ठीक है। उस बाल्टी में एक लीटर पानी आ रहा है, बात को ध्यान समझिएगा, रबड़ की बाल्टी है उसमें एक लीटर पानी आ रहा है, उस बाल्टी को आप खींच दीजिए, जब खींच देंगे तो क्या उसमें दो लीटर पानी आ जाएगा, जब खींच देंगे तब भी उसमें एक ही लीटर पानी आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो उसका एरिया कम हो जाएगा, उतना ही पानी आएगा, ठीक, कोई उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो वॉल्यूम है, अंदर का जो घेरा हुआ भाग है वो सेम होता है मटेरियल का, उसमें चेंजिंग नहीं होती है, वो होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुड़े लंबाई, यही होती है ना वैल्यूम, वी वन बराबर क्या होगा वी टू, यानी कि ए टू गुड़े एल टू, दोनों वैल्यूम दोनों कंडीशन में क्या होंगे, सेम होंगे, बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, ए वन एल वन इज इक्वल टू ए टू एल टू। तो यहाँ आपके सामने ध्यान से देखिएगा, एल वन यहाँ ए टू आपको निकालना है, एल टू दिया हुआ है एन एल वन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए L1 से L1 कट गया तो आपको A2 बराबर क्या मिल गया, A1 बाई N मिल गया, देखिए मिल गया ना, A2 बराबर A1 बाई N। अब यहाँ से L2 की वैल्यू निकल गई, यहाँ से A2 की वैल्यू निकल गई, अब L2 और A2 की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ L2 एंड A2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। L2 और A2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ L2 एंड A2, देन वी फाइंड R1 अपन R2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ आपका L1 A1 तो दिया ही है, यहाँ पे A2 क्या निकला, आप सबको स्मॉल में ले लेंगे तो यहाँ स्मॉल में आ जाएगा, कितना होगा ए वन अपन ए एन, आई एल टू कितना आया एन एल वन, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो एल वन अपन ए वन गुड़े ए वन एन स्क्वायर एल, ठीक।
तो यहाँ से L1 से L1 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ये वन अपन एन स्क्वायर है। अब यहाँ से R2 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू आर वन हो जाएगा। तो ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड, क्या हो गया ये हैंड्स। ये वेरिफिकेशन जानना जरूरी नहीं है फॉर द साइट ऑफ व्यू, फॉर द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटेटिव पॉइंट। अगर आपको कंपटीशन की दृष्टि से देखना है तो ये वेरिफिकेशन जानना जरूरी नहीं है। आप बस इतना जानिए कि जब हम स्ट्रेच करते हैं लेंथ को दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना जब खींचते हैं तो रेसिस्टेंस पर कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो ये फार्मूला आपके द्वारा याद कर लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला आपके सामने है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ देता है तो आपको कैसे सॉल्व करना, मैं इसी लगे इसको भी बता देता हूँ। तो ये आप देखिए, ठीक है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। मान लीजिए ये कह दिया जाए, इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स, अगर कोई वायर है उसका लेंथ दो गुना कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये दो गुना कर दिया जाए, मतलब इसके लेंथ को क्या कर दिया जाए, दो गुना, ये एल था, ये एल था, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, टू एल हो गई। एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए आर वन आप क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेंथ को दो गुना कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वही रही, ठीक। तो कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, केवल लेंथ कितना हो गया, यहाँ टू टाइम्स हो गया। तो यहाँ अगर R2 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये 2L बाई ए हो जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, रो L बाई ए हो जाएगा, तो 2 R यहाँ क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। यानी कि अब इस कंडीशन में क्या हो गया, आपका रेसिस्टेंस टू टाइम्स हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन UPPCL में पूछा गया था, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन यूपी जल निगम में पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसमें दोनों में आपको डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर दो गुना किया जाए, खींच कर दो गुना किया जाए, दोनों बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अगर चार गुना किया जाए तो चार फोर वन हो जाएगा, आठ गुना किया जाए तो इतना हो जाएगा। जब तक खींच करना कहे, अगर बाय स्ट्रेचिंग कह रहा है, बाय स्ट्रेचिंग कह रहा है, तब आप एन स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। अब केवल सिंपली कह रहा है डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, टेन टाइम्स हो गया, नाइन टाइम्स हो गया, तब सिंपल आप फार्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है। हमारा जहाँ तक आशा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हमने आपको रेसिस्टेंस पर इस तरह का प्रॉब्लम बताया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंडेंट चीज़ें बताएंगे कि जब हम खींच करके उसकी एरिया रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और सीधे क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसी में अगले वीडियो में ही हम बताएंगे कि जब दोनों को चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ को भी चेंज करें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर केवल अगर डायमीटर चेंज करें, इस कंडक्टर का डायमीटर चेंज करें तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद।